नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। आईपीएल 2021 का आगाज एक बार फिर से होने जा रहा है, लेकिन दोस्तों अब आईपीएल 2021 के बचे हुए 31 मुकाबले भारत में नहीं बल्कि यूएई में खेले जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने यूएई के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में कौन कौन से बड़े बदलाव किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि इंग्लैंड के खिलाड़ी अगर खेलते हुए नजर नहीं आएंगे तो चेन्नई सुपर किंग्स को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, या फिर उनकी जगह पर कौन से खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे, इसके बारे में हम आपको तमाम जानकारी इस वीडियो में देंगे। और साथ ही आईपीएल 2021 से जुड़ी हुई जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए देखते रहें इस वीडियो को पूरा आखिर तक। और साथ ही आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और आप भी चेन्नई सुपर किंग्स व अन्य आईपीएल टीमों के फैन हैं तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक। तो दोस्तों आईपीएल 2021 का आगाज अब सितंबर व अक्टूबर में होने वाला है, यानी कि 19 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक आईपीएल 2021 खेला जाएगा। यूएई के तीन मैदान शारजाह, दुबई और अबू धाबी के मैदानों पर आईपीएल 2021 के बचे हुए मुकाबले खेले जाएंगे। लेकिन दोस्तों पिछली बार जब यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स इन मैदानों पर खेलने उतरी थी तो उन्हें बेहद ही खराब परफॉर्मेंस हुआ था टीम की तरफ से। चेन्नई सुपर किंग्स प्ले ऑफ में भी अपनी जगह नहीं बना पाई थी, लेकिन इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बार फिर स्ट्रॉन्ग वापसी की है जब आईपीएल भारत में लौटा तो। लेकिन अब आधे मुकाबलों के बाद एक बार फिर यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स को दुबई के इन्हीं मैदानों पर खेलना होगा, जहाँ पर कंडीशन उनके लिए उतनी अच्छी नहीं रहेगी क्योंकि पिछला साल इनके लिए काफ़ी ख़राब रहा था। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने जिस तरह की वापसी की है इस साल वो काफ़ी धमाकेदार रही है। तो यहाँ पर एक बार फिर उम्मीद करते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज आईपीएल 2021 में अपना कमाल दिखाएंगे बचे हुए मुकाबलों में। तो चले दोस्तों हम पहले जान लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स ने किस तरह का रहा है आईपीएल 2021 का अब तक का परफॉर्मेंस। तो दोस्तों आईपीएल 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स के आधे मुकाबले समाप्त हो चुके हैं, यानी कि 7 मुकाबलों में चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि सिर्फ 2 ही मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस टीम को 3 मुकाबले और जीतने हैं अपने बचे हुए 7 मुकाबलों में से, जो कि यूएई में खेले जाएंगे। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा है वो है इनकी नेट रन रेट। चेन्नई सुपर किंग्स की नेट रन रेट अब तक +1.263 है। इस टीम के पास 10 अंक है और साथ ही इस समय पॉइंट टेबल में ये नंबर 2 पर है। आपको बता दें पॉइंट टेबल में इस समय टॉप 4 टीमों की बात करें तो नंबर 1 पर दिल्ली कैपिटल है, तो दूसरे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स है, जबकि तीसरे नंबर पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर है, तो चौथे नंबर पर मुंबई इंडियंस की टीम है। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो यहाँ पर उनके लिए एक बेहतरीन मौका है 3 मुकाबले जीते ही प्ले ऑफ में पहुँचने का। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे बड़ा झटका यहाँ पर इंग्लैंड टीम के प्लेयर हो सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाड़ी इस आईपीएल के बचे हुए मुकाबले में अब शायद ही खेलते हुए नजर आए, जिसके चलते यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के 2 अहम खिलाड़ी इस टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा थे, यानी कि सैम करन और मोइन अली, जिन्होंने काफी शानदार परफॉर्मेंस किया था। खासकर कि मोइन अली ने नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के लिए शानदार रन बनाए थे, जिसके चलते अब यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलें यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए हो सकती है, क्योंकि मोइन अली जिस तरह के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं वो गेंद के साथ साथ यहाँ पर बल्ले से भी कमाल कर रहे थे। और कुछ ऐसा ही हाल था यहाँ पर सैम करन का, उन्होंने भी टीम के लिए काफी शानदार परफॉर्मेंस किया। और इन दोनों खिलाड़ियों के न होने से यहाँ पर थोड़ी सी चेन्नई सुपर किंग्स की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स के पास कई ऐसे विदेशी खिलाड़ी मौजूद हैं जो यहाँ पर टीम के लिए यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की आईपीएल 2021 में, तो यहाँ पर फेफ डू प्लेसिस ने अब तक 7 मुकाबलों में 320 रन बनाए हैं, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी है, जबकि आईपीएल के तीसरे खिलाड़ी है जिन्होंने इस साल सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। वहीं पर दोस्तों दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो वो मोइन अली थे जिन्होंने 206 रन बनाए हैं। तो वहीं पर नंबर 3 पर ऋतुराज गायकवाड़ है 196 रनों के साथ। तो चौथे खिलाड़ी है अंबाती रायडू 136 और पांचवें खिलाड़ी है रविंद्र जडेजा जिन्होंने 131 रन बनाए हैं। इसके अलावा सुरेश रैना ने भी 123 रन बनाए हैं, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स के कई बल्लेबाजों ने इस साल अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई है। तो वहीं पर गेंदबाजी में भी यहाँ पर इस टीम की तरफ से कई गेंदबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस किया है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट सैम करन ने लिए थे, उन्होंने 9 विकेट चटकाए, लेकिन वो सेकंड हाफ में शायद ही खेलते हुए नजर आए। तो वहीं पर इसके अलावा दीपक चहर है जिन्होंने 8 विकेट लिए हैं। तो वहीं पर रविंद्र जडेजा ने 6 विकेट, मोइन अली ने 5 और सरदोल ठाकुर ने भी 5 विकेट लिए हैं। इसके अलावा यहां पर टीम के पास लुंगी निगिडी है जिन्होंने भी 5 विकेट लिए थे, यानी कि गेंदबाजी और बल्लेबाजी चेन्नई सुपर किंग्स की अच्छी रही थी, लेकिन अब यहाँ पर सेकेंड हाफ में भी उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर इस टीम के गेंदबाज व बल्लेबाज अच्छी गेंदबाजी करेंगे। वहीं पर दोस्तों हम बात करें यहाँ पर कि आखिरकार सैम करन और मोइन अली का
क्या होगा रिप्लेसमेंट? तो आपको बता दें कि सेम करण की जगह पर यहाँ पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे डीजे ब्रावो, तो वहीं पर इसके मोइन अली की जगह पर हमें यहाँ पर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे, यानी कि ऑलराउंडर मिचेल सेंटनर को यहाँ पर टीम में बल्लेबाजी का मौका मिलेगा, क्योंकि वो यहाँ पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और वो अच्छी तरह से गेंदबाजी भी कर सकते हैं, यानी कि एक अच्छा रिप्लेसमेंट होगा यहाँ पर मोइन अली का मिचेल सेंटनर। यानी कि दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स अभी भी काफ़ी मजबूत नजर आ रही है, हालांकि यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स और बाकी टीमों को बीसीसीआई यहाँ पर एक मौका दे सकती है विदेशी खिलाड़ियों में यहाँ पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों के बदले किसी और देश के खिलाड़ियों को खरीदने का यहाँ पर एक मौका जरूर दे सकती है, लेकिन फिलहाल भी यहाँ पर कोई अगर खिलाड़ी नहीं खरीदती है चेन्नई सुपर किंग्स, फिर भी इनके पास कई शानदार विदेशी खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि आखिरकार चेन्नई सुपर किंग्स अपने टीम में क्या क्या बदलाव करेगी प्लेइंग 11 में। तो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स अपनी प्लेइंग 11 की ओपनिंग जोड़ी में कोई बदलाव नहीं करना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पर टीम के लिए अब तक दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस किया है, चाहे वो फेफ डू प्लेसिस हो या फिर हो ऋतुराज गायकवाड़, दोनों ने टीम के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। तो एक बार फिर हमें यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे फेफ डू प्लेसिस और उनके साथ होंगे ऋतुराज गायकवाड़, और यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों से बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। तो वहीं पर दोस्तों नंबर 3 पर टीम की तरफ से मोइन अली खेलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब मोइन अली की जगह पर हमें सुरेश रैना खेलते हुए नजर आएंगे नंबर 3 पर, क्योंकि मोइन अली यहां पर आगे के सीजन के लिए अवेलेबल नहीं होंगे अगर यहां पर बोर्ड उन्हें अनुमति नहीं देता है इंग्लैंड का, तो जो कि लग रहा है कि यहां पर इंग्लिश प्लेयर हमें खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, तो नंबर 3 पर यहां पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे सुरेश रैना। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों नंबर 4 पर टीम की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे हमें अंबाती रायडू ने यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस किया है अब तक, और एक मुकाबले में तो उन्होंने कमाल की पारी खेली थी, जिसके चलते अब हमें यहाँ पर अंबाती रायडू नंबर 4 पर खेलते हुए नजर आएंगे। तो वहीं पर नंबर 5 पर टीम की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी अब तक काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया है, और इस आईपीएल में तो वो एक ओवर में 37 रन भी बना चुके हैं, यानी कि रविंद्र जडेजा टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगे जिन्होंने बल्लेबाजी गेंदबाजी और फील्डिंग से कमाल करके दिखाना है, और इन्होंने अब तक इस आईपीएल में बखूबी निभाया है अपना ये फर्ज। वहीं पर दोस्तों इसके बाद नंबर 6 पर उतरेंगे टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर सेकंड हाफ में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं, और उनके बल्ले से यहाँ पर ज़्यादा रनों की उम्मीद करेगी चेन्नई सुपर किंग्स, विकेट के पीछे से और कप्तानी से तो वो कमाल कर ही सकते हैं। तो वहीं पर नंबर 7 पर टीम की तरफ से उतरने वाले हैं मिचेल सेंटनर, जो कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो वहीं पर नंबर 8 पर उतरेंगे डीजे ब्रावो। इसके बाद दोस्तों नंबर 9 पर उतरने वाले हैं लुंगी निगिडी। तो नंबर 10 पर टीम की तरफ से उतरेंगे दीपक चहर, और नंबर 11 पर उतरने वाले हैं सरदोल ठाकुर। यानी कि टीम फिलहाल तो काफ़ी मजबूत नजर आ रही है, हालांकि यहाँ पर पिच के आधार पर एक और स्पिनर कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है सीएसके की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए यूएई में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।